बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है बलौदाबाजार से, जहां पर बलौदाबाजार हिंसा मामले में ताजा अपडेट यह है कि विधायक देवेंद्र यादव ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। पुलिस की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव का यह कहना है कि हाईकोर्ट से सही जांच हो, हाईकोर्ट से सही जांच की मांग कर रहे हैं देवेंद्र यादव। सीबीआई जांच की जगह बेकसूरों पर एक्शन ले रही है सरकार, ये कह रहे हैं देवेंद्र यादव। कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका पालन करेंगे। देवेंद्र यादव ने याचिका लगा दी है हाईकोर्ट में, पुलिस की पूछताछ में शामिल वो नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं। रोहित, पूछताछ में शामिल नहीं होना चाहते हैं देवेंद्र यादव, इससे तो सवाल खड़े होंगे कि पूछताछ करने में क्या परेशानी? बिल्कुल, देखिए सवाल तो खड़े हो रहे हैं, और जिस प्रकार से दो दिन पहले वो जब उनको पुलिस ने बुलाया था तब वो दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए थे। दिल्ली दौरे के बाद में आए तो वो उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की। डीजीपी से मुलाकात करने के बाद कल के दिनांक पे उन्होंने पिटीशन जारी कर दी है, और पिटीशन बिलासपुर हाईकोर्ट पर लगाई गई है। और उस पिटीशन पर साफ तौर पर ये मांग की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है हाईकोर्ट इस पर निर्णय ले, और निर्णय के लेने के साथ पे इसको जो सीबीआई जाँच है उससे करवाई जाए, या फिर उनके जो मार्गदर्शन पे है उसकी जांच हो। और देवेंद्र यादव ने इस पिटीशन पे यह भी कहा है कि निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता सतनामी समाज से जुड़े हुए हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि देवेंद्र यादव का यानी कि उनका नाम ले वो, और ऐसा वो नहीं कर रहे हैं तो अलग अलग मुकदमा दायर करके उन्हें पुलिस जो है वो अंदर कर रही है। तो पुलिस के ऊपर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। इसके अलावा उनका अपने मसले पर पूछताछ को लेकर यह कहना है कि उस जो नोटिस जारी की गई थी उनको, उस नोटिस में इस चीज का जिक्र नहीं है कि उनको किस लिए बुलाया जा रहा है, इसलिए वो पेश नहीं होंगे। और कल के दिन बिल्कुल रोहित सवाल ये भी उठेगा कि आप पूछताछ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पूछताछ से बचने की कोशिश देवेंद्र यादव कर रहे हैं, तो किस बात का आखिर डर है उनको? बेहद संवेदनशील मसला है बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ा हुआ, पूछताछ में सहयोग देवेंद्र यादव विधायक को करना चाहिए। बिल्कुल सुमित, करना चाहिए, और एक बार पूछताछ के लिए वो वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हो सकता है, जो मुझे लगता है कि उनको डर ये सता रहा होगा कि पूछताछ के बहाने कहीं पुलिस उन्हें अंदर न कर दे, और अंदर करने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, इसीलिए शायद हो सकता है देवेंद्र यादव बचते फिर रहे। हालांकि उनका इस मसले पर कहना यह है कि हम अब पुलिस पर भरोसा नहीं रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल पर पुलिस जो है वो उनकी बात सुन रही है, और कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि कांग्रेसी नेताओं को अंदर कर दिया जाए, तो इसीलिए वो अब पुलिस पर भरोसा नहीं जाते, और सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा वो करेंगे, जो फैसला आएगा उस पर वो बात कहेंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं कि जिस प्रकार से उनका नाम आया, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके ऊपर ये कहा गया कि वो भड़काऊ भाषण दिए थे, और उनके भड़काऊ भाषण के कारण ही जो है वो आंदोलन जो था वो इतना बढ़ा, प्रदर्शन हुआ। तो ठीक है, पुलिस की पूछताछ में ना जाने किस बात का डर देवेंद्र यादव को सता रहा है। होता तो ये है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर किस बात का डर भाई साहब।